नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। आज हम बात करेंगे भोपाल के ऐसे दो युवाओं की जिन्होंने मेहनत कर आज नाम कमा लिया, लोगों में अपनी पहचान बना ली। ऐसे युवा जिनके पास कभी कॉलेज की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन आज ये सभी युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। एक आइडिया ने इनकी किस्मत बदल दी। ना सिर्फ लोगों की कबाड़ की समस्या को हल किया, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने साबित कर दिया कि स्टार्टअप के लिए पैसा प्लान की नहीं, बल्कि मेहनत और लगन की जरूरत होती है। यह कहानी भोपाल के स्क्रैप वेट्स स्टार्टअप द कबाड़ी वाला की है। इस स्टार्टअप को हाल ही में मुंबई के इन्वेस्टमेंट फर्म रूट्स वेंचर ने 15 करोड़ की फंडिंग की है। स्क्रैप बिजनेसमैन ने इतनी बड़ी फंडिंग का प्रदेश का पहला स्टार्टअप है। जानते हैं इनकी सक्सेस की स्टोरी आखिर क्या है। स्टार्टअप के फाउंडर भोपाल के अनुराग असाठी और कविंद्र रघुवंशी को साल 2014 में ऑनलाइन कबाड़ खरीदने का आइडिया आया। यहीं से पड़ी द कबाड़ी वाला की नींव। उन्होंने वेबसाइट तैयार की, बहुत रिसर्च किए, बिना दोनों एक्शन मोड में आ गए, काम करते रहे, सीखते रहे, कारवा बढ़ता गया और कॉल पर ऑर्डर आने लगे। कुछ साल का वक्त लगा, कई सारे उतार चढ़ाव और समाज के छुआछूत रवैये के बाद आज द कबाड़ी वाला का सालाना टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक का है। 5 शहरों भोपाल, इंदौर, लखनऊ, रायपुर और नागपुर में यह चल रहा है। करीब 300 लोग इसमें काम कर रहे हैं। आगे 30 से 40 शहरों में इसे स्टार्ट करने की प्लानिंग तैयार की जा रही है। यहाँ पर खास बात यह है कि जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हुआ यह स्टार्टअप आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अनुराग ने भोपाल के ओरिएंटल कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, तो कविंद्र प्रोफेसर थे। द कबाड़ी वाले की शुरुआत की स्टोरी भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज में।